एक बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया कि हम अपनी YouTube की वीडियोस में कहीं ना कहीं से किसी दूसरे का कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करते ही हैं, चाहे वो एक छोटी सी क्लिप हो या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर एक फोटो ही क्यों ना हो। अगर हम किसी दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है, जिससे YouTube हमें किसी तरह की पनिशमेंट ना दे या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे चैनल के मोनेटाइजेशन पर किसी तरह का बैड इफेक्ट ना पड़े। सिंपल और YouTube की लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो रीयूज्ड कंटेंट की पॉलिसी को हम ब्रेक ना करें। तो यार आज की वीडियो भी इसी टॉपिक पर होने वाली है। अगर आप भी अपनी वीडियोज में कुछ ना कुछ किसी दूसरे का इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में जो भी तरीका मैंने बताया, जो भी चीजें मैंने समझाई है, उससे वीडियो पर आए कॉपीराइट और चैनल पर आए कॉपीराइट स्ट्राइक का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि ये बात आपको बखूबी पता है कि अगर आप किसी दूसरे का कुछ भी इस्तेमाल करते हैं तो कॉपीराइट क्लेम और कॉपीराइट स्ट्राइक, ये दोनों चीजें कॉपीराइट ओनर के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करती हैं कि भैया वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम देने वाला है या फिर नहीं देने वाला है। इस वीडियो में जो भी बात हो रही है वो बेसिकली रीयूज्ड कंटेंट की पॉलिसी को लेकर हो रही है कि अगर आप ऐसी वीडियो इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके चैनल के मोनेटाइजेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, चाहे आपके चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल होने वाला है या फिर ऑलरेडी इनेबल है। और अगर आपको नहीं पता है कि भैया रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है, क्योंकि बार बार ये मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता वहां से भी एक बार रीयूज्ड कंटेंट क्या होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है इसका मोनेटाइजेशन पर, कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा। सारे पॉइंट को रखते हैं साइड में, आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि जब भी आप यूट्यूब की कोई भी वीडियो बनाते हैं तो वहां पर दो मेन चीजें होती हैं, एक तो होता है आपका वीडियो और दूसरा होता है आपका ऑडियो। अभी हम बात करेंगे वीडियो वाले सेक्शन के बारे में। देखिए वीडियो वाले सेक्शन में बेसिकली चार चीजें होती हैं। एक तो हो गया कि आपने कोई भी कॉपीराइट या रॉयल्टी फ्री वीडियो लगा दी और आपकी पूरी वीडियो कंप्लीट बन गई। दूसरा हो गया कि आपने अपना खुद का वीडियो रिकॉर्ड किया है अपने फ़ोन से, अपने फ़ोन के कैमरा से आपने रिकॉर्ड किया है और उसके बाद में उसमें जो भी आपने मसाला एडिटिंग वगैरह की है वो हो गया। तीसरा हो गया कि आपने दोनों वहाँ पे मिक्सअप कर दिया है, रॉयल्टी फ्री भी यूज़ किया है और आपने अपना खुद का भी डाल के रखा है, ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा हो गया कि आपने सब कुछ मिक्सअप कर दिया है, आपने रॉयल्टी फ्री भी डाला है, आपने अपने कैमरे से भी रिकॉर्ड किया है, आपने ऐसी भी क्लिप डाली है जो कि रॉयल्टी फ्री नहीं है, जिस पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या क्लेम भी आ सकती है, ये सारी चीज़ें आपने मिक्सअप कर दी, ये हो गया चौथा पॉइंट। अभी हम बात करेंगे ऑडियो के बारे में। ऑडियो में हो गया आपका एक बैकग्राउंड म्यूजिक, दूसरा आपका हो जाता है आपकी खुद की वॉइस जो कि आप देख रहे हो मैं जैसे बोल रहा हूँ इस वीडियो में, तीसरा हो जाता है कि आपने दोनों ही मिक्सअप किया हुआ है, आपने बैकग्राउंड म्यूजिक भी डाला है और आपने वॉइस भी अपनी दे रखी है, और चौथा हो जाता है कि भैया कोई अपने क्लिप यूज़ किया है जिसकी वॉइस भी आपकी वीडियो में आ जाती है। तो ये चार चीज़ें हो जाती हैं जो कि ऑडियो में आ गई और चार चीज़ें आपको वीडियो में मैंने बता दिया। अब ये जो आठ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वीडियो और ऑडियो को मिलाकर, इसी के बिहाफ पे आप एक कंप्लीट वीडियो बना पाते हैं। सवाल ये उठता है कि हमने दूसरे के वीडियो और ऑडियो को मिलाकर अपनी एक वीडियो तो कंप्लीट बना दी, लेकिन अब वो वीडियो फेयर यूज़ में है या फिर नहीं है, कहने का मतलब उसमें जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया किसी दूसरे का वो फेयर यूज़ में है या फिर नहीं है, इसको हम कैसे पता कर सकते हैं। इसको पता करने का एक सीधा सा तरीका है कि अगर आप अपने वीडियो या फिर ऑडियो में जो भी आप किसी दूसरे का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं ये फेयर यूज में है या फिर नहीं है, ये कम्प्लीटली डिसाइड करेगा आपका फेयर वर्क। यानी कि आपकी वीडियो में जो भी चीजें बच जाती है, कहने का मतलब ये है कि आप वो कंटेंट एक बार साइड में रख दीजिए जो आपका खुद का नहीं है, उसको आपने एक साइड में रख दिया, दूसरी साइड में आपका अपना जो खुद का कंटेंट है उसको आप देखिए। अगर आपका खुद का कंटेंट 70% दिखाई दे रहा है और आपने 30% किसी का कंटेंट यूज़ किया हुआ है तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ भैया मैंने जो कुछ भी यूज़ किया है वो फेयर यूज़ में है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। बात करें अगर दूसरे पॉइंट के बारे में तो दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी कंटेंट आपने पहले पॉइंट में यूज़ किया है किसी दूसरे का 30% या फिर 40% अगर आपने यूज़ किया हुआ है तो क्या आपने कंटेंट ओनर को, जो भी उसका कंटेंट ओनर है उसको आपने क्रेडिट देकर रखा है अपने डिस्क्रिप्शन में या फिर नहीं दिया हुआ है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट हो जाता है कि किसी भी वीडियो या फिर म्यूजिक को अपनी वीडियो में फेयर तरीके से यूज करने के लिए। डजेंट मैटर जो भी कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, कॉपीराइटेड फ्री वीडियो हो या फिर कॉपीराइटेड फ्री म्यूजिक हो बैकग्राउंड में आपने लगा कर रखी है, व्हाटएवर आप कुछ भी यूज कर रहे हैं, अगर आपने क्रेडिट नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आप उस कॉपीराइटेड चीज का फेयर तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर आपको प्रॉब्लम दे सकता है। इसलिए अगर आप रीयूज्ड कंटेंट को फेयर तरीके से यूज करना चाहते हैं तो ये सारी चीजें आपको जरूर से ध्यान में रखनी पड़ेंगी, चाहे आपका चैनल मोनेटाइज हो या फिर मोनेटाइजेशन में जाने वाला हो। खासकर मोनेटाइजेशन में अगर जाने वाला है भैया तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो होता है रिव्यू वाला सिस्टम, वहां पर चीजें मैनुअली सही तरीके से देखी जाती हैं। बट अगर एक बार मोनेटाइज हो गया फिर आप थोड़ा सा अगर 19-20 करोगे ना तो भी चल जाता है,
लेकिन अगर मोनेटाइजेशन में जाने वाला है तो बहुत संभाल के ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप किसी दूसरे का कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो। इससे रिलेटेड मैं एक नेक्स्ट पार्ट बनाने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी बताकर रखा था कि 3 पार्ट आएंगे इस वीडियो के। पहला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तीसरा वाला भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ये है दूसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में मैं बताऊंगा कि अगर आपके चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल हो गया रीयूज कंटेंट की वजह से, या आपके चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास में क्या रास्ता बचता है, इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं, तो उस वीडियो को भी जरूर से चेकआउट कीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करिएगा। तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन अगर नहीं दबा कर रखा है तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो ना, और वो जो घंटा देख रहे हो ना उसको जोर से दबाना। मैं मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय।